दोस्तों मुंबई इंडियंस ने ठुकराया तो प्रीति जिंटा ने अपनाया। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा। टीम में शामिल होते ही बदल कर रख दी पंजाब की पूरी टीम। अपने पसंदीदा बेग से एक नए खूंखार खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर बना डाली आईपीएल की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। तो आखिर कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने किन किन खूंखार खिलाड़ियों को दिया टीम में मौका? क्या रोहित का आईपीएल 2025 जीतने के लिए मास्टर प्लान? कितने करोड़ रुपए में वो पंजाब के हो गए हैं ये तो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ रोहित के द्वारा बनाई गई नई पंजाब की टीम कैसी नजर आ रही है वो तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित पंजाब किंग को चैंपियन बना पाएंगे या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 2024 रोहित शर्मा के लिए थोड़ा खट्टा मीठा सा रहा है। जहां एक तरफ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने कप्तानी में भारत को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत दिलाई थी और भारत को 11 सालों बाद टीम इंडिया को कोई आईसीसी ट्रॉफी में जीत दिलाई थी। हालांकि उससे पहले उन्हें मुंबई इंडियंस जिस टीम को उन्होंने 5 बार आईपीएल का चैंपियन बनाया उसी ने आईपीएल में कप्तानी से हटा दिया था। इस फैसले ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था। इसके बाद रोहित ने आईपीएल 2024 में दिग्गज हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेला था। लेकिन अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। जी हां, खबरों की माने तो रोहित का सफर आईपीएल से मुंबई के लिए समाप्त हो चुका है और वो दूसरी टीम में अगले सीजन में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दरअसल मुंबई ने रोहित शर्मा से बिना पूछे ही टीम में ट्रेड के जरिए हार्दिक पांड्या को अपनी टीम का हिस्सा बनाया था और उन्हें कप्तान भी नियुक्त कर दिया था। इसके बाद रोहित काफी नजर नाराज आए थे और वो बिना कुछ कहे आईपीएल में खेल रहे थे। आईपीएल 2024 के दौरान ही ऐसी खबर सामने आ रही थी कि शर्मा टीम मैनेजमेंट से नाराज हैं और इस दौरान वो कई फ्रेंचाइजी और टीम के कोच के साथ बातचीत किए। ऐसे में अब ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि हिटमैन प्रीति जिंटा वाली टीम पंजाब किंग के लिए आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे भी ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि रोहित शर्मा की दीवानगी पूरे हिंदुस्तान में कूट कूट कर भरी हुई है। आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजी चाहती हैं कि रोहित उनकी तरफ से ही खेले। अगर रोहित शर्मा मुंबई को छोड़कर आईपीएल के ऑक्शन में जाने का फैसला करते हैं तो कई टीमें उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहेंगी। मौजूदा समय में पंजाब किंग की कप्तानी इंग्लैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम करन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो अधिक समय तक ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते और पंजाब जैसी टीम एक भारतीय खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। अगर रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में पंजाब किंग की कप्तानी करते हैं तो वो अपनी टीम के कई खूंखार चेहरों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क। वो अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का आईपीएल में दिल जीतने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह और रिंकू सिंह को टीम में शामिल कर एक नई प्लेइंग 11 तैयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा युवराज सिंह को पंजाब किंग का हेड कोच भी घोषित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको रोहित शर्मा के द्वारा बनाई जाने वाली प्लेइंग 11 दिखाते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में कैसी नजर आ सकती है पंजाब की पूरी टीम। जी हाँ, बता दें रोहित शर्मा पंजाब किंग के लिए ओपनिंग करने की जिम्मेदारी अपने और शुभमन गिल के कंधों पर रख सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल ने अपने पिछले सीजन में अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीता था। वहीं रोहित शर्मा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम के रैली रूसो को रख सकते हैं। रैली रूसो पंजाब के लिए बहुत बड़े मैच विनर साबित हुए हैं। नंबर 4 पर रोहित की कप्तानी में खेलते हुए भारत के बेहतरीन युवा खिलाड़ी शशांक सिंह नजर आ सकते हैं। इन्होंने पिछले सीजन अपने कारनामे से हर किसी का दिल जीत लिया था और उनकी बल्लेबाजी का हर कोई दीवाना हो गया था। नंबर 5 पर पंजाब की तरफ से सैम करन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इन्होंने भी पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन दिखाया था और अपने बल्ले और गेंद से काफी रन बनाए थे। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा रिंकू सिंह को टीम में शामिल कर सकते हैं। इन्होंने कोलकाता को कई मैच अकेले दम पर जिताए थे, इसीलिए रोहित सबसे अधिक भरोसा रिंकू सिंह पर करते हैं। अगर हम ऑलराउंड डिपार्टमेंट की बात करें तो रोहित शर्मा सैम करन और हरप्रीत बराड को टीम में शामिल कर सकते हैं। इनका साथ देने के लिए स्पिन डिपार्टमेंट में राहुल चहर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं हम तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो रोहित शर्मा, अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल को टीम में रखा हुआ है। ये दोनों खिलाड़ी अपनी खतरनाक गेंदबाजी से कभी भी पंजाब टीम को मैच जिता सकते हैं। तो रोहित की कप्तानी में ऐसी नजर आएगी पंजाब किंग की नई प्लेइंग 11। ये सभी खिलाड़ी खेलते हुए आ सकते हैं नजर। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को पंजाब किंग में शामिल हो जाना चाहिए या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।